हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस। हम लोग देख रहे हैं हमारे पास्ट ईयर के क्वेश्चन की सीरीज, और इस पास्ट ईयर के क्वेश्चन की सीरीज में मैं स्टार्ट किया हुआ था इकोनॉमिक्स की, फटाफट क्वेश्चंस देख रहे थे हम लोग। स्टार्ट करने से पहले हमारे कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं जिनका आप लोग यूज कर सकते हैं अपने डाउट पूछने के लिए या हम तक रीच आउट करने के लिए। इसके अलावा हमारे कुछ कोर्सेज भी अवेलेबल हैं जिसमें से प्रीलिम्स लॉकडाउन सीरीज या ऑनगोइंग सीरीज है, विच इज वेरी यूजफुल फॉर योर जीएस प्रिपरेशन, तो आप उसको देख सकते हैं अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो। इसके अलावा मेंस के कोर्सेज भी अवेलेबल है। प्रेजेंटली वी हैव ज्योग्राफी ऑप्शनल सीरीज, यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब अस फॉर टेस्ट सीरीज एंड दीज आर द अवेलेबल टेस्ट सीरीज। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने में हम लोगों ने देखा हुआ था जैसे कि इकोनॉमिक्स के मैंने पूरे चैप्टर को 5 पार्ट में डिवाइड करके रखा था, जिसमें से मैंने बोला था कि हमारे पास पॉवर्टी वाला चैप्टर, एग्रीकल्चर वाला चैप्टर काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है, और टर्शरी सेक्टर भी हमारे पास इंपॉर्टेंट हो जाती है। और हम लोग प्रेजेंटली जो डिस्कस कर रहे हैं वो टर्शरी सेक्टर ही डिस्कस कर रहे हैं। वी आर गोइंग टू कंप्लीट इट बाय टुडे, कंप्लीट कर लेंगे आज। स्टार्ट करते हैं फटाफट। 25 क्वेश्चन तक हम लोगों ने देख रखे थे, अगले नेक्स्ट 25 क्वेश्चन को फटाफट देख लेते हैं बिना देरी किए हुए, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 26। यहां पर बोलता है कि विद रेफरेंस टू एनबीएफसी, तो आप लोगों को ये पता है कि हमारे पास एक होती है जो बैंक्स होती हैं, दूसरी होती है जो नॉन बैंक्स होती हैं। तो जो बेसिकली नॉन बैंक्स होती हैं वो होती क्या है, दीज आर कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड कंपनीज होती हैं। तो कंपनी एक्ट 1956 या फिर 2013 में अमेंडेड, इसमें ये रजिस्टर्ड होती हैं और ये बेसिकली फाइनेंशियल काम कर रही होती है। भाई कोई कंपनी कैसा भी काम कर सकती है, तो फाइनेंशियल वर्क कर रही होती है ये, जैसे बजाज आलियांज वगैरह हो गए, इंश्योरेंस वगैरह दे रही होती है, ईएमआई वगैरह दे रही होती है। इसके अलावा हमारे पास एक और होती है पेमेंट बैंक, दिस इज पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक हालांकि जो होता है आरबीआई के द्वारा मॉनिटर्ड होती है, दिस इज पर्टिकुलरली अ बैंक कह सकते हैं आप। एनबीएफसी के बारे में बात करें तो दिस इज अ कंपनी, यहां पर आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। रेगुलेशन तो खैर नहीं, लेकिन हाँ थोड़ी मोड़ी अगर मॉनिटरिंग की जाए तो वो आरबीआई के द्वारा कर ली जाती है, बट एक्चुअली ये कंपनी है, तो कंपनी एक्ट में ही कंपनी के द्वारा ही चीजों को मतलब मॉनिटर किया जा रहा होता है। ये हो गए इसके बेसिक्स की बात। आते हैं अपने क्वेश्चन पे। ये कहता है दे कैन नॉट इंगेज इन द एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटीज इश्यूड बाय द गवर्नमेंट। क्यों भाई, बिल्कुल कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं। इनफैक्ट वी हैव नंबर ऑफ शेयर कंपनीज, जितनी भी शेयर कंपनीज है, जैसे हमारी कारवी हो गई या फिर हमारे पास जीरोधा वगैरह हो गया, ये सारा का सारा क्या है, नॉन बैंकिंग है। दे कैन इंगेज इन द एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटीज बाय द गवर्नमेंट, तो ये गलत हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि दे कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट लाइक सेविंग्स अकाउंट, बिल्कुल करेक्ट है। ये डिमांड डिपॉजिट वगैरह एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, दे कैन ओनली गिव लोन्स या फिर क्रेडिट्स, ये दे सकती हैं। इसके अलावा सेविंग्स अकाउंट वगैरह नहीं खोला जा सकता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं आजकल, तो इस वजह से मेक श्योर कि आपके पास बैंक, नॉन बैंक, पेमेंट बैंक, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, रीजनल रूरल बैंक, इन सब में क्लैरिटी हो आपको कि क्या आखिर में क्या चीज है। ठीक है, आगे बात करते हैं। इन द पार्लेंस ऑफ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, इन द पार्लेंस ऑफ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, बियर का मतलब क्या होता है। अब आपको पता ही होगा शेयर मार्केट में बुल और बियर, ये तो आजकल का काफी ज्यादा न्यूज हो रखा है, तो सच इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ खास, लेकिन हाँ खैर यहां पर देखेंगे द इन्वेस्टर हु फील्स दैट प्राइस ऑफ ए पर्टिकुलर सिक्योरिटी इज गोइंग टू फॉल, तो ये हो जाएगा आंसर इसका। बुल मतलब होता है जब अप हो रही होती है, बियर मतलब जब डाउन जा रही होती है या फिर फॉल डाउन जा रही होती है, तो इसको बोल देते हैं हम लोग बुल। ठीक है, मतलब बियर। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। इन इंडिया द इंटरेस्ट रेट ऑन सेविंग अकाउंट इन ऑल द नेशनलाइज्ड कमर्शियल बैंक इज फिक्स्ड बाय, अब देखिए थोड़ा सा यहां पर आपको बैकग्राउंड जानने की जरूरत है क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। इसी तरीके से एक एटीएम पे क्वेश्चन आया हुआ था, तो सारा का सारा हम लोग देख लेते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज द थिंग। एटीएम का रेगुलेशन आया था किसके द्वारा किया था, तो आपको पता होना चाहिए, दिस इज एनपीसीआईएल, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। एटीएम पे जो भी मॉनिटरिंग की जाती है या जितना भी कैश वगैरह जो भी कुछ करना होता है वो एटीएम के द्वारा, एनपीसीआईएल के द्वारा किया जा रहा होता है। चलिए खैर ये तो अलग चीज हो गई। यहां पर बेसिकली बात हो रहा है कि जो बैंक इंटरेस्ट रेट डिसाइड करते हैं, ये इंटरेस्ट रेट कैसे डिसाइड करते हैं, थोड़ी सी प्रोसीजर के बारे में पूरा डिस्कस कर लेते हैं क्या चीज है। हमारे पास एक सिस्टम है जो आरबीआई दे रहा होता है, आरबीआई बता रहा होता है एमसीएलआर, एमसीएलआर का मतलब मार्जिनल कॉस्ट बेस्ड लेंडिंग रेट, ये बता रही होती है आरबीआई। यहां पे बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिन पैरामीटर के जरिए एमसीएलआर को डिसाइड किया जा रहा होता है। इसके अलावा अब होगा क्या, एमसीएलआर आरबीआई के द्वारा डिसाइड कर दिया जाएगा, अब जैसे ही डिसाइड किया जाएगा ये बेसिकली मार्जिनल कॉस्ट बेस्ड लेंडिंग रेट है। लेंडिंग रेट का मतलब वही है कि लोन पे जितना भी आप इंटरेस्ट लेंगे वो कितना ले सकते हैं। दिस इज द मिनिमम रेंज या मिनिमम लिमिट
ये एक मिनिमम लिमिट है, जैसे मान लीजिए 2%, 3%, 5%, 7% कितना कर सकते हैं, तो आप एक मिनिमम 7% रखेंगे, उसके नीचे आप नहीं जाएंगे, ये बोला जाता है MCLR के लिए। ऊपर हायर तो आप कितना भी चले जाइए, वो तो कंपटीशन पर निर्भर करता है। तब हुआ क्या कि यहां पर तो इंटरेस्ट रेट डिसाइड करने के लिए बता दिया गया आरबीआई को, लेकिन ये इंटरेस्ट रेट तुरंत बैंक के ऊपर चला नहीं जाता है, ये डिसाइड किया जाता है किसके द्वारा, ये डिसाइड किया जाता है आईबीए के द्वारा। व्हाट इज आईबीए? आईबीए का मतलब होता है इंडियन बैंक एसोसिएशन। तो बेसिकली क्या होने वाला इंटरेस्ट रेट या क्या कुछ चीजें होंगी, क्या चीजें हम देंगे, ये सारा का सारा डिसाइड किया जाता है इंडियन बैंक एसोसिएशन के द्वारा। इस वजह से हो जाती है हमारी 28 का आंसर हो जाएगा सी। क्लियर हो गया क्या चीज है? तो आपको पूरा सिस्टम समझ में आ गया होगा। यहां पर मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इस बार के एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे से हम लोग बातें कर रहे हैं। MCLR को रिप्लेस कर दिया गया है अब फिक्स्ड कॉमर्शियल एक्सचेंज रेट से, या फिक्स्ड कॉमर्शियल नहीं, फिक्स्ड लेंडिंग रेट से, FLR, फिक्स्ड लेंडिंग रेट। दिस इज फिक्स्ड लेंडिंग रेट। नाउ बैंक डू नॉट हैव एनी चॉइस अदर देन टू फॉलो द आरबीआई गाइडलाइन। अब आरबीआई गाइडलाइन को ही फॉलो करना पड़ेगा, ये हो गई है फिक्स्ड। इससे क्या है कि अब कुछ यहां पर पैरामीटर्स रख दिए गए हैं जिसके जरिए, एंड वन मोर थिंग, ये जो फिक्स्ड लेंडिंग रेट है, दिस इज बेस्ड ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, बेस्ड ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ठीक है। तो आपको ये पूरा करंट अफेयर्स आपका है जो तैयार रखना है आपको, कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है FLR क्या चीज है, फिक्स्ड लेंडिंग रेट क्या चीज है, किसके द्वारा डिसाइड किया गया है और इसमें है क्या चीज। क्लियर हो गया क्या चीज है? तो इस क्वेश्चन के जरिए हम लोगों ने एक और प्रिडिक्टेड क्वेश्चन देख लिया है क्या चीज हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि विद द रेफरेंस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ बैंकिंग ओम्बड्समैन इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट बोला हुआ है। चलिए ठीक है, देख लेते हैं क्या चीज है। हम लोग बात करने वाले हैं बैंकिंग ओम्बड्समैन के बारे में। बैंकिंग ओम्बड्समैन, बैंकिंग ओम्बड्समैन का मतलब क्या होता है? ओम्बड्समैन सिस्टम का मतलब समझ लीजिए कि आपको कोई, अगर मान लीजिए कोई इशू होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप कहां जाएंगे, इसी को बोलते हैं ओम्बड्समैन सिस्टम, ओम्बड्समैन सिस्टम। ओके, दिस इज ओम्बड्समैन सिस्टम, ठीक है। अब जब भी आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम होती है, देन आपके पास जाएंगे, तो ये होती है बेसिकली आरबीआई। आरबीआई के पास आप जाएंगे, अपनी जो भी इशू है, जो भी प्रॉब्लम है बैंक के साथ, जो भी दिक्कत हुई है, वो आप इसको बताएंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली आरबीआई विल गिव यू अ ज्यूरिसडिक्शन, आपको एक जो होता है डिसीजन दे देगा, बता देगा ये काम कर लीजिए। सपोज यू आर नॉट जस्टिफाइड विद दैट डिसीजन, तो आप क्या करेंगे, व्हाट विल यू डू, एंड दैट इज अ क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ बैंकिंग ओम्बड्समैन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहां पर देखिए आप जरा चीजें समझिएगा क्या क्या चीज है। बैंकिंग ओम्बड्समैन इज अपॉइंटेड बाय द आरबीआई, बिल्कुल करेक्ट है, देखिए यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। बैंकिंग ओम्बड्समैन कैन कंसीडर कंप्लेंट फॉर्म एनआरआई हैविंग अकाउंट इन इंडिया, कोई दिक्कत नहीं है, एनआरआई इज ऑल्सो एन इंडियन, और वो भी अपना अकाउंट तो बैंक में खोल ही सकता है, बिल्कुल जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। द ऑर्डर पास्ड बाई बैंकिंग ओम्बड्समैन आर फाइनल। अब देखिए यहां पर जो ज्यूरिसडिक्शन, जो भी डिसीजन यहां पर दिया गया है, इज इट फाइनल, क्या आपके पास कोई अदर ऑप्शन है? यस यू हैव ऑप्शन, आप जाएंगे डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई के पास और आप कहेंगे यार मुझे जो होता है आप जो डिसीजन दिए हुए हैं उससे समझ में नहीं आ रहा है, वो आई वॉन्ट टू चैलेंज दैट डिसीजन, तो मैं चैलेंज करना चाहता हूं। कहां पर चैलेंज करूंगा? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में मैं चैलेंज करना चाहता हूं। नाउ आरबीआई डिप्टी गवर्नर हैज ऑल द डिस्क्रिशन टू गिव परमिशन दिस मैन, ये हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाकर चैलेंज कर सकता है या नहीं कर सकता है। अगर डिप्टी गवर्नर को ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है चैलेंज करने लायक है, तो उनको परमिशन दे देता है कि हाँ भाई चलिए ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन गो देयर। तो ऑर्डर पास बाय बैंकिंग ओम्बड्समैन आर नॉट फाइनल, दे आर बाइंडिंग ऑन द पार्टी, दे आर बाइंडिंग बट दे कैन चैलेंज इट, तो ये ऑप्शन जो होती है वो गलत हो जाएगी, दिस इज नॉट करेक्ट। क्लियर? लास्ट ऑप्शन एक बार देख लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, यस फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, यहां पर कोई पैसा आपसे नहीं लिया जाता है। तो ये अगेन जो होता है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है, पूछा भी जा सकता है, हालांकि 2010 का है, पुराना है, कोई मतलब नहीं है, बहुत ज्यादा चांसेस तो नहीं है, बट स्टिल यू शुड हैव क्लैरिटी इन द कॉन्सेप्ट। आगे क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में बात करते हैं। विद रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अब इंडिया के रिस्पेक्ट में क्या चीज है। देखिए पास्ट ईयर क्वेश्चन करने से आपको ये आइडिया लग जाएगा कि बैंक रिलेटेड क्या कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो मैंने आपको मल्टीपल पर्सपेक्टिव बता दिए कि आप सबसे पहले जितने भी टाइप के बैंक हैं, बैंकिंग इश्यूज हैं, या फिर MFI हो गया, या फिर पेमेंट बैंक हो गया, या NBFCs वगैरह हो गए, इनके बारे में पढ़ के रखिएगा। NBFC को अभी रिसेंट में लॉस हुआ है, इकोनॉमिक सर्वे में लिखा हुआ है, पढ़ के रखिएगा।
इकोनॉमिक सर्वे, इनफैक्ट आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ के रखिएगा, इसकी सीरीज भी अवेलेबल है रिकॉग्निशन आईएएस पे ही। अगर आपको टाइम है और अगर आप पढ़ना चाहते हैं, यू कैन गो विद दिस सीरीज, आपको कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन का फायदा जरूर होगा। चलिए खैर, वापस से कमिंग बैक टू आवर क्वेश्चन नंबर 30, यहां पर बोलता है विद रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर करना है नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, चलिए ठीक है करा देते हैं, फॉर्मेशन ऑफ आरआरबी करा देते हैं, एडॉप्शन ऑफ विलेज और विलेज ब्रांच या बैंक ब्रांच। एसएमएस बोलता है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन किसको बोला जाएगा। पहले क्वेश्चन ये होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन होता क्या है। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या है, जनधन अकाउंट का मतलब क्या चीज है। जनधन अकाउंट का मतलब यह है हर एक आदमी को बैंकिंग एक्टिविटी से जोड़ देना है। जैसे ही वो बैंकिंग एक्टिविटी से जुड़ जाएगा, ही विल हैव एन आइडेंटिटी, पहली बात तो उसका पासबुक वगैरह आ जाएगा तो आइडेंटिटी आ जाएगी। नंबर टू, सेविंग्स करने के लिए भले ही 2-2 रुपए बचाएगा लेकिन कुछ ना कुछ बचाना शुरू कर देगा। नाउ ये जो आम आदमी बचे हुए हैं, जो घर में पैसा रखे हैं, वो अपना पैसा मार्केट में लेकर के आएंगे एंड अकॉर्डिंगली बैंक विल हैव मोर कैपिटल नाउ टू इन्वेस्ट इन अदर इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स। तो इस तरीके से हमारी जो जीडीपी है, जो कंट्रीब्यूशन हो सकता है पैसे का नहीं हो रहा हो, या कह सकते हैं कि जो M0 अपने M3 में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, उसको ज्यादा से ज्यादा कन्वर्ट करने की यहां पर कोशिश की जा रही है फाइनेंशियल इंक्लूजन से। क्लियर हो गया। देखिए इस तरीके की लैंग्वेज आप मेंस वगैरह में लिख रहे होते हैं, जहां पर M0 को M3 में कन्वर्ट करने की कोशिश कराना है ना, ऑल दैट मनी मल्टीप्लायर वगैरह। हम लोग यहां पर पास्ट ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं तो पास्ट ईयर पे आ जाते हैं। यहां पर कहता है किसको आप बोलेंगे फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं है। अब देखिए, अगर विलेज में बैंक ब्रांच खोलेंगे, ऑब्वियसली विलेज के लोग जाकर के वहां पे अपना अकाउंट खोलेंगे तो फाइनेंशियल इंक्लूजन हो जाएगा, बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं है। आरआरबी बनाएंगे, गांव में जाकर के अपना बैंकिंग एक्टिविटी करेगा, बिल्कुल हो जाएगा फाइनेंशियल इंक्लूजन। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक करने से क्या हुआ कि जितने भी बैंक थे उनको एक जगह पे मर्जर कर दिया गया और एक बैंक बना दिया जा रहा है, इससे क्या फाइनेंशियल इंक्लूजन हो रहा है क्या? नहीं, केवल और केवल जो हेल्थ ऑफ द बैंक है वो अच्छी होती जा रही है। तो बेसिकली नेशनलाइजेशन करने से हमें आम जनता को कोई फायदा नहीं हो रहा है, इससे जो बैंक्स का जो हेल्थ है वो अच्छा होते आ रहा है। तो बेसिकली ये फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं है, इसलिए आंसर केवल और केवल 2-3 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका बी। क्लियर हो गया क्या चीज है। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लियर है। 31 क्वेश्चन के बारे में आ जाते हैं, द फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक इन इंडिया, कमर्शियल बैंक का काम क्या है। चलिए आ जाते हैं कमर्शियल बैंक। अब जरा देख लेते हैं हमारे पास बैंक कौन कौन से होते हैं। एक होता है जिसको बुलाता है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, SCB। दो तरीके के होते हैं, एक होती है जो पब्लिक होती है और दूसरी होती है जो प्राइवेट होती है। ठीक है, प्राइवेट जैसे ICICI वगैरह हो गई, एक्सिस हो गई, या फिर पब्लिक बैंक जैसे हमारा PNB हो गया, या फिर हमारी इलाहाबाद बैंक हो गई, या फिर हमारी SBI वगैरह हो गई, ये सब ओरिएंटल हो गया, ये सब। ठीक है, चलिए आ जाते हैं। फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक क्या है, परचेज एंड सेल ऑफ शेयर एंड सिक्योरिटी ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, बिल्कुल करती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ट्रेजरी पेपर वगैरह खरीदा जाता है बैंक के द्वारा, ट्रेजरी पेपर हो गया, आप जा करके परचेज भी कर सकते हैं अगर आपको बैंक में जाना है तो। पूर्वांचल बैंक में आप जा करके खरीद सकते हैं ट्रेजरी पेपर वगैरह, गवर्नमेंट बॉन्ड खरीद सकते हैं, इसके अलावा गवर्नमेंट बॉन्ड हो गया, वेज एंड मीन्स खरीद सकते हैं आप जा करके, सब कुछ यही कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक्टिंग एज एग्जीक्यूटर एंड ट्रस्टी ऑफ विल, ये भी करते हैं, आप जाकर के क्या करते हैं, आप अपनी जो भी कह लीजिए कि जो भी वसूली, जो भी कह लीजिए विल टाइप की चीज है, वो आप जाकर के यहां पर जमा कर देते हैं। जब आप डेथ हो जाएगी आपकी तो फिर उसको नॉमिनी को दे दिया जाएगा, तो नॉमिनी बेसिकली यहां पर सिस्टम आ जाएगा। तो उसमें दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर हो जाएगा इसका सी, 31 का आंसर हो जाएगा सी, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको यहां पर। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32, द इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA, वॉट इज IDA? IDA इज अ सब्सिडियरी ऑफ वॉट, वर्ल्ड बैंक, जो कि IBRD से स्टार्ट हुआ था और बाद में इसको और इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया था। 6 सब्सिडियरी इसमें से है, जिसमें से एक IFC है, फिर IDA भी उसी में से एक आ जा रही होती है। वर्ल्ड बैंक के लिए, IMF के लिए और जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है सबके लिए देखिए एक सेपरेट वीडियो अभी नहीं है, आएगी आगे, तो आप जरा क्लोज वॉच रखिएगा रिकॉग्निशन IAS चैनल पे, आपको लगातार मिलती रहेगी चीजें। क्लोज वॉच रखने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, उसको फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपको सारे नोटिफिकेशन, सारी वीडियोस जो भी फ्यूचर में आने वाली है वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वहां पे मिलती रहती है। तो आई विल रिकमेंड यू टू गो देयर एंड ज्वाइन दिस चैनल। ओके, तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है, IDA इज अ लेंडिंग एजेंसी इज एडमिनिस्टर्ड बाय, किसके द्वारा? सीधी सी बात है IBRD, पहला नंबर लिखा हुआ IBRD, सेकेंड है इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब तो खैर नहीं है। तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन देखिए यूनिवर्सल है, कभी भी आ सकते हैं, यहां पर कभी पूछे ऐसा नहीं होता है कि ये
करंट अफेयर्स बेस्ड है या कुछ है। हर साल वर्ल्ड बैंक जो होती है किसी ना किसी को लोन दे रही होती है, हर साल कुछ ना कुछ होता है। जैसे क्या है कि अभी रिसेंट के बारे में ही बात करें, हमारे यहाँ पे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स बने हुए हैं, एक बना हुआ है हमारा ईस्टर्न का, एक बना हुआ है वेस्टर्न का, दोनों में ही फंडिंग कर रखा है वर्ल्ड बैंक ने। वेस्टर्न वाले में हालांकि जापान ने ज्यादा किया हुआ है, लेकिन ईस्टर्न वाले में पूरा का पूरा वर्ल्ड बैंक का है। तो अगेन फंडिंग वगैरह के बारे में आपको ऑलरेडी पता हो जाएगा क्या चीज है, तो ये चीज है। हाँ, एक और चीज इंपॉर्टेंट होती है इसमें कि इसमें जो बजट आती है, मतलब कि कैपिटल अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट, ये किसमें क्या जाएगा, ये हम लोग डिस्कस कर लेंगे जब हम लोग अपना बजट वाला चैप्टर करेंगे। हालांकि इसके लिए भी प्रीलिम्स लॉकडाउन सीरीज की आपकी इकोनॉमिक्स की एक क्लियर प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर आपको कोई डाउट होता है, प्रॉब्लम होती है, यू कैन गो देयर एंड वॉच द लिस्ट अगेन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 33 पे आ जाते हैं। इसका क्वेश्चन हो गया है, क्वेश्चन नंबर 33 पे आ जाते हैं। लीड बैंक स्कीम नॉट इंपॉर्टेंट, वाई, क्योंकि ये करंट अफेयर्स था 2011 का, तो आपका किसी काम का नहीं है। खैर पढ़ भी लीजिए, लीड बैंक का मतलब क्या है। लीड बैंक का मतलब है एक बैंक है, वो अपने एक गांव को सेलेक्ट कर लेगा, किसी विलेज को सेलेक्ट कर लेगा और वहां जाकर के फाइनेंशियल इंक्लूजन करने की कोशिश कर रहा होगा। तो इसमें है क्या, बिग बैंक्स ट्राई टू ओपन ऑफिस इन डिस्ट्रिक्ट, नहीं, देयर शुड बी स्टिफ कॉम्पिटिशन, नो, इंडिविजुअल बैंक शुड अडॉप्ट पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट फॉर इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। यस, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर नंबर सी 33 का। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 पे आ जाए, आरबीआई के बारे में आ जाते हैं। तो आरबीआई आपको ऑलरेडी मैंने लास्ट क्लास में बता रखा था, लास्ट जब वीडियोस डिस्कस किए हुए थे उसमें मैंने बता रखा था इसके बैकग्राउंड के बारे में, कैसे कहां से क्या चीज आया हुआ है। इसमें बात करें अगर इसका काम क्या है, तो देखिए कोई भी काम, इंटरेस्ट रेट जैसे डिसाइड करना है, रेपो रेट डिसाइड करना है, मॉनिटरिंग करनी है, इसके अलावा पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री मेंटेन करना है, या फिर कह लीजिए आरबीआई किसी बैंक की हेल्थ खराब होती है तो उसमें एक्स्ट्रा एक्सचेकर के रूप में आ जाती है, तो नंबर ऑफ चीजें कर रही होती है। तो यहां पर लिक्विडिटी ऑफ एसेट, यस बिल्कुल कर रही होती है, रेपो रेट वगैरह यही तो है। बैंक एक्सपेंशन, ब्रांच एक्सपेंशन, यस बिल्कुल कर रही होती है। मर्जर ऑफ बैंक, ये भी कर रही होती है। वाइंडिंग ऑफ बैंक, ये भी कर रही होती है। तो सारा ही काम कर रही होती है, आंसर हो गया डी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बाकी इसके बाद आ जाते हैं बैंक रेट को बढ़ाने से। मैंने आप लोगों को बोला था कि बैंक रेट हो गया या रेपो रेट हो गया, ये दोनों के दोनों काइंड ऑफ एक ही चीज है, हालांकि एग्जैक्टली नहीं है लेकिन काइंड ऑफ एक ही चीज है। अगर आप रेपो रेट को बढ़ा देते हैं, दैट मीन्स व्हाट, अब ये है कि एसबीआई वाला जो बैंक है अब आरबीआई से पैसा लोन नहीं लेगा, क्योंकि अब उसको इंटरेस्ट बहुत ज्यादा देना पड़ जाएगा और ये इंटरेस्ट सस्टेनेबल नहीं है, तो आरबीआई अब लोन नहीं लेगा। लोन नहीं लेगा यानी कि जो आरबीआई से हमारे इस इकोनॉमी में, हमारे इस इकोनॉमी में आरबीआई से जो भी पैसा पूल होने वाला था वो पूलिंग अब नहीं होगी, यानी मार्केट में ऑलरेडी लिक्विडिटी बहुत ज्यादा होगी। इसी के कारण से यहां पर लिक्विडिटी के कारण से ही हमने पैसा नहीं पूलिंग करवाया है, यानी कि लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है मार्केट में। चलिए देख लेते हैं ऑप्शंस क्या क्या चीज है। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लाइकली टू फॉल, ऐसा क्या है, कुछ नहीं है, क्यों फॉल करेगा, सीधी सी बात है, ये तो बैंक के ऊपर निर्भर करता है कि बैंक को क्या करना है। सेंट्रल बैंक इज नो लॉन्गर मेकिंग लोन टू कमर्शियल बैंक, गलत है, लोन तो दे ही रहा है, लो भैया, लेकिन पैसा एक्स्ट्रा लेंगे हम, तो ये गलत हो जाएगा। सेंट्रल बैंक इज फॉलोइंग इज इजी मनी मॉनेटरी पॉलिसी, नहीं, टाइट है, देखिए टाइट मॉनेटरी पॉलिसी मतलब पैसा नहीं दे रहा है, और टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, यस बिल्कुल करेक्ट है, आंसर डी हो गया। तो देखिए अगेन यहां पर जो क्वेश्चन पूछे आते हैं सिविल सर्विसेज में वो आपको कंसेप्ट बेस्ड रहेंगे, यू हैव टू ड्रॉ ऑल द फिगर्स, यू हैव टू एनालाइज व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ अथॉरिटीज, और अकॉर्डिंगली यू हैव टू फाइंड द आंसर। तो इस तरह की चीजें हो जाएंगी इकोनॉमिक्स में, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा टाइम लगाइए, यू विल गेट द आंसर, और 100% आपको आंसर करेक्ट भी मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 36 पे आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रांट और ग्रांट्स डायरेक्ट क्रेडिट असिस्टेंट टू रूरल बैंक, रूरल बैंक को कौन कौन पैसा दे रहा होता है, तो रूरल बैंक पैसा कहां से पाएगा, आरबीआई से भी पैसा पा जाएगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, सिडबी से भी पैसा पा जाता है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ये इंडस्ट्रीज के लिए है, ठीक है ये बैंक के लिए, नॉर्मल बैंक के लिए, और एक और पैसा पा जाता है कहां से, नाबार्ड से, तो ये नाबार्ड से पैसा पा जाएगा। नाबार्ड इज एन एंटिटी विच गिव्स लोन टू द रूरल बैंक, तो रूरल बैंक को पैसा दे देते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास तीन तरीके की चीजें हैं जो पैसा दे रही होती हैं। तो आरआरबी रूरल हाउसहोल्ड को पैसा कौन कौन देगा, अब ये रूरल हाउसहोल्ड क्या है, रूरल वालों को दे देंगे, आरआरबी रूरल हाउसहोल्ड को पैसा दे देगी, तो आरआरबी देती है, बिल्कुल देती है, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज नाबार्ड, देखिए नाबार्ड देती है क्या, नो, नाबार्ड डायरेक्टली रूरल हाउसहोल्ड को थोड़ी ना दे रही है, वो तो रूरल बैंक को दे रही है। अब आप कहेंगे आरबीआई क्या आम जनता को पैसा देती है, नहीं देती है, क्योंकि आरबीआई बीच में पहले बैंक आता है, बैंक पैसा दे रही होती है। लैंड डेवलपमेंट बैंक, यस लैंड डेवलपमेंट वगैरह दे रही होती है, ये प्रॉपर्टी के लिए होता है, दिस इज फॉर प्रॉपर्टी। तो दो ऑप्शन काटिए, दूसरा काट देंगे, एक ही ऑप्शन बचा, आंसर केवल
वन एंड थ्री हो गया, आंसर हो गया सी। क्लियर? तो देखिए ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, दिस नीड टू बी वेरी क्रिस्टल क्लियर इन योर माइंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब देखिए इन्फ्लेशन अगर होता है तो इन्फ्लेशन का जरा मतलब समझ लेते हैं। इन्फ्लेशन का मतलब ये है कि सपोज दिस इज एनी मैन, एनी मैन का मतलब मान लेते हैं कि दिस इज मोहित, मान लेते हैं मोहित है, ठीक है, और ये कोई बंदा है मान लेते हैं राहुल है, ठीक है, मोहित और राहुल। मोहित के पास बहुत ज्यादा पैसा है, 2 लाख रुपए इनके पास पड़ा हुआ है। राहुल ने कहा यार हमको दे दो थोड़ा सा, इन्होंने क्या किया, दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। कितना रुपए? 1 लाख रुपए दे दिया। राहुल ने बोला कि हम 1 साल बाद तुमको देंगे 1,10,000, 1,10,000 रुपए, 10,000 रुपए इंटरेस्ट बन गया 1 साल का। मोहित खुश हो गया, बढ़िया ठीक है, 10,000 रुपए हम कमा लिए 1 साल में, और क्या करना है, कोई दिक्कत नहीं। राहुल ने उसे 1 लाख रुपए को लिया और इन्वेस्ट कर दिया, कहां पर, प्रॉपर्टी में मान लेते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया। प्रॉपर्टी में जो 1 लाख रुपए आज की डेट में दिया गया था वो 1 साल बाद बदल गया 4 लाख में। क्यों? दिस इज बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई हो गई। 1 साल बाद राहुल को कितना मिला? 4 लाख रुपए। 4 लाख में से इसने क्या किया, 1,10,000 रुपए दे दिया किसको, मोहित को। अपने पास से कमा लिया कितना, अपने पास इसने रख लिया 2,90,000 रुपए, 90,000। फायदा किसको हुआ? राहुल को। यानी यहां से एक चीज क्लियर हो गई, जो क्रेडिट करता है, जो क्रेडिटर है, उसको हमेशा इन्फ्लेशन का लॉस होगा, क्योंकि हो सकता था वो पैसा कमा सकता था, नहीं कमाया। तो क्रेडिटर को लॉस होता है और डेब्टर को हमेशा फायदा होता है, ये याद रखिएगा क्या चीज है। बाकी आप समझ ही गए क्या चीज है। इन्फ्लेशन बेनिफिट्स द डेब्टर, बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया। इन्फ्लेशन बेनिफिट टू बॉन्ड होल्डर, बॉन्ड होल्डर का मतलब क्या हुआ, शॉर्ट में इसको लिख सकते हैं क्रेडिटर, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट बेनिफिट नहीं करता है, इन्फ्लेशन बेनिफिट नहीं करता, इसको लॉस करता है। तो केवल और केवल ऑप्शन हो जाएगा ए करेक्ट यहां पर, दूसरा ऑप्शन गलत है, दूसरा स्टूडेंट सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31, 37 आपको क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं जरा, क्वेश्चन नंबर 38। यहां पर देखिए अगेन लिक्विड एसेट के बारे में बात किया गया, व्हाट इज लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब होता है जिसको आप फटाफट पैसे में तब्दील कर ले। तो सबसे पहले करेंसी ही आपकी सबसे ज्यादा लिक्विड है, तो करेंसी हाथों हाथ भाई किसी को पैसा देंगे फट से ले लेगा। फिर उसके बाद से डिमांड डिपॉजिट होता है, क्यों, क्योंकि सेविंग बैंक मतलब चेक अगर देंगे किसी को तो चेक नहीं लेगा, वो कहेगा हमको डिमांड डिपॉजिट डीडी दो हमको, तो डीडी दे देंगे। फिर आपको क्या हो जाएगा, जो चेक है सेविंग्स अकाउंट, दिस इज सेविंग्स, और लास्ट में आ जाएगा टाइम। टाइम मतलब क्या हो गया, एफडी हो गया या आरडी हो गया, ये सब चीजें, क्योंकि इनको ब्रेक करने में टाइम लगेगा, क्योंकि इनकी टाइम है। तो लिक्विडिटी देख लीजिए हो गया, दिस इज 4, ये हो गया 4, ये हो गया 1, ये हो गया 3, ये हो गया 2, 4, 3, 1, 2, ये हो गया, आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, क्वेश्चन नंबर 39। अच्छा यहां से एक चीज जो होती है, जैसे M0, M1, M2, M3 ये सब ऑलरेडी आप लोगों को मैंने बता रखा है, ये क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में ये सब चीजें। क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं, व्हाट इज द फैसिलिटीज ऑफ बेनिफिशियरी कैन गेट फ्रॉम द बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट। बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट क्या होता है, देखिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाने के लिए ये बैंक ने किया हुआ था, बड़ा अच्छा काम किया हुआ है कि एक एक आदमी को डिप्लॉय कर दिया जाता है एक एक टैबलेट के साथ में और भेज दिया जाता है कहां पे, विलेजेस में। नाउ विलेजेस कैन यूज दिस मैन एज ओपनिंग ऑफ न्यू बैंक, अगर मान लीजिए न्यू अकाउंट खोलना है यूज कर सकते हैं, बैंकिंग एक्टिविटी के बारे में जानकारी करना है तो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इनको कैश वगैरह लेना भी है तो कैश वगैरह भी इस आदमी से लिया जा सकता है बैंक के एटीएम कार्ड के थ्रू या फिर ट्रांसफर करके, जो भी करना है। अब देख लेते हैं क्या चीज है, इट एनेबल्स द बेनिफिशियरी टू ड्रॉ। अच्छा एक और चीज यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर मान लेते हैं एसबीआई का है या कोई थर्ड पार्टी बंदा है ये, तो ये एसबीआई का भी काम कर सकता है, ये पीएनबी का भी काम कर सकता है, ये आईसीआईसीआई का भी काम कर सकता है। मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिंगल बैंक का किसी का होता है, ये किसी बैंक का भी काम कर सकते हैं, दे आर फ्रीलांसर्स एक तरीके से, दे आर थर्ड पार्टी मैन। इट एनेबल्स द बेनिफिशियरी टू ड्रॉ देयर सब्सिडीज एंड सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट इन देयर विलेज, बिल्कुल करेक्ट है, एक ही बात है कि बेनिफिशियरीज को जाकर के पैसा दे रहा है, क्या दे रहा है, कैश, कोई दिक्कत नहीं है। इट एनेबल्स द बेनिफिशियरी इन द रूरल एरिया टू मेक डिपॉजिट एंड विदड्रॉ, ये भी करता है, बिल्कुल करेक्ट है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है, आंसर हो जाएगा सी इसका, ठीक है। बाकी आगे बात कर लेते हैं, स्टैट्यूटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। तो वी हैव एसआरआर, कितने फॉर्मेट में होता है, एक होता है एसएलआर होता है, एक होती है सीआरआर होती है। कैश फॉर्मेट में जमा करना होता है, आरबीआई को जमा करना होता है, हर एक बैंक को। ये स्टैट फॉर्मेट में रख सकते हैं, किसी भी फॉर्मेट में, बैंक खुद के पास अपने पास रखते हैं, ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है। ये क्वेश्चन कहता है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग पर्पस ऑफ, इसका मतलब क्या है, क्यों रखा जाता है ये, क्यों रखा जाता है ये, रखा जाता है सबसे पहले बैंक की हेल्थ मेंटेन हो या लिक्विडिटी मेंटेन हो, ताकि बैंक कल को बैंकक्रप्ट ना होने पाए। दूसरा ये जो होता है रेगुलेट कर रही होती है बैंक को, एक तरीके से रेगुलेट कर रही होती है कि ये बहुत ज्यादा जो होता है
कॉर्पोरेटाइज ना हो जाए, बहुत ज्यादा ये पैसा कमाने पे ना आ जाए। देख लेते हैं क्या ऑप्शन है। टू एनेबल द सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ एडवांस टू द बैंक एंड क्रिएट, बिल्कुल करेक्ट है, कंट्रोल कर ले रही होती है लोन वगैरह किस तरीके से देना है, कंट्रोल कर लेती है। मेक द पीपल्स डिपॉजिट सेफ एंड लिक्विड, बिल्कुल करेक्ट है, सेफ तो रख रही है, क्या है बैंकिंग हेल्थ जो होती है अच्छी कर रही है। टू प्रिवेंट द कमर्शियल बैंक फ्रॉम मेकिंग एक्सेसिव प्रॉफिट, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, एक्सेसिव प्रॉफिट वगैरह से क्या करना है, क्योंकि जो भी प्रॉफिट या जो कुछ भी कमाना होता है वो तो अपना इंटरेस्ट रेट जो देते हैं ये, उस इंटरेस्ट रेट के बेसिस पे ये कमा रहे होते हैं, बाकी इनके पास कोई अदर ऑप्शन नहीं होता है। टू फोर्स द बैंक टू हैव सफिशियंट वॉल्ट कैश टू मीट देयर डे टू डे रिक्वायरमेंट, नो अगेन, ये अपना जो भी खर्चा वगैरह चलाना होता है वो इंटरेस्ट जो कमाते हैं उसके थ्रू होता है। SLR वगैरह CRR वगैरह से इनको क्या मतलब है, इनको कोई मतलब नहीं है, दे हैव देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी बाई गेनिंग एक्स्ट्रा प्रॉफिट फ्रॉम देयर ओन बिजनेस, ये रिजर्व वगैरह से इनका कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है, क्लियर। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 and 2 ओनली करेक्ट, इसका ऑप्शन बी था, हालांकि यहाँ पे ऑप्शन जो होती है वो प्रिंट नहीं हुई है, चले खैर कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है बेसल अकॉर्ड इज रिलेटेड विद व्हाट, देखिए बेसल अकॉर्ड ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार में क्यों, क्योंकि ये एक्स्ट्रा जैसे हमारे पास जो स्टैट्यूटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट्स होती है जिसमें हम लोग SLR रखते हैं CRR रखते हैं, इसके अलावा एक और अभी बोला गया है, एक और ट्रांजिशन रिपोजिटरी रखी है। ट्रांजिशन रिपोजिटरी मतलब कि अगर कोई बिजनेस कर रहा है, कोई कंपनी वगैरह है, कुछ भी अगर लोन दिया जा रहा है तो आपको अलग से एक रिजर्व बना के रखना होगा टू मेंटेन या टू मेक द हेल्थ ऑफ द बैंक, बैंक की हेल्थ बनी रहे, NPA वगैरह की प्रॉब्लम ना आने पाए इसके लिए, और ये कहा गया है Basel III में। Basel III क्या है, बैंक्स के लिए होता है, ये आ रही है 2020 में, दिस इज इन 2020, ऑल्दो हो सकता है कि इस बार बैंक थोड़ा सा बिकॉज ऑफ द कोविड हो सकता है इसको डिले किया जाए, बट स्टिल अभी के लिए 2020 में ये आना है, ठीक है, तो ये चीज करनी है, देखते हैं सरकार क्या करती है। फिलहाल आपके लिए क्वेश्चन प्रोबेबल है, क्वेश्चन आ सकता है, इसके लिए ये वाला चीज पूछी जा सकती है, व्हाट एग्जैक्टली इज द देयर इन द Basel III नॉर्म। यहां पर देख लेते हैं, बहुत ही ऑब्वियस सा क्वेश्चन पूछा गया था कि इससे रिलेटेड है, तो सस्टेनेबिलिटी वगैरह से रिलेटेड नहीं है, बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है, तो आंसर इसका हो जाएगा बी, सीधे सीधे इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन इस बार के क्वेश्चन में आप एक्सपेक्ट करते हैं थोड़ी सी डिटेलिंग के बारे में ये जाएंगे, डिटेलिंग के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, अगेन इकोनॉमिक सर्वे में ये चीज डिस्कस की गई है, गो देयर एंड वॉच दैट लिस्ट इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दैट, अदरवाइज यू कैन ऑल्सो रीड द इकोनॉमिक सर्वे इन डिटेल विच इज देयर इन द मिनिस्ट्रीज पोर्टल। क्वेश्चन नंबर 42 के बारे में बात करते हैं, यहां पर बोलता है कि विद रिस्पेक्ट टू इंडियन इकॉनमी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अब इसमें बोला जाता है कि ये कुछ कंपोनेंट्स दिए गए हैं, इसमें से कौन सी मॉनेटरी पॉलिसी है, तो मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी जो निकालती है कौन निकालती है, RBI निकालती है, और गवर्नमेंट क्या निकालती है, फिर गवर्नमेंट निकालती है फिस्कल पॉलिसी, यू नो दैट, है ना, तो ये निकालती है गवर्नमेंट बजट के माध्यम से निकालती है, और यहां पर RBI निकालती है अपने जो भी क्वार्टरली माध्यम से निकाल रही होती है मॉनेटरी पॉलिसी। इस मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होती है, फिस्कल पॉलिसी में क्या होती है, रिवेन्यू अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, फिर उसके बाद से आपका फिस्कल डेफिसिट हो गया, इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट हो गया, इफेक्टिव जो भी चीजें होती हैं, प्राइमरी डेफिसिट हो गई, ये सब चीजें हो जाती है आपकी फिस्कल डेफिसिट, विच इज एक्चुअली द फॉर्मेट ऑफ बजट। मॉनेटरी पॉलिसी में होती है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, MSF, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ये बेसिकली चीजें होती हैं जो मॉनेटरी पॉलिसी में होती है। तो हम लोग देख लेते हैं क्या चीज है, बैंक रेट, यस बिल्कुल, OMO बिल्कुल, देखिए यहां पर है पब्लिक डेट, नो, पब्लिक रिवेन्यू, नो, क्योंकि ये दोनों के दोनों किसका पार्ट हो गए, फिस्कल डेफिसिट का पार्ट हो गए, ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 and 2 ओनली आंसर हो जाएगा इसका सी। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 को सॉल्व कर लिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43। नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग कि SLR को 50 बेसिस पॉइंट से कम कर दिया गया है, तो SLR को अगर आपने कम कर दिया, सपोज मान लेते हैं SLR पहले 18% है, तो 100 rupees का 18 rupees इनको रखना पड़ जाएगा कहां पे, बैंक को अपने पास में, बचा कितना अमाउंट, बचा केवल और केवल 82 rupees, 82 rupees जो है केवल और केवल लोन दिया जा सकता है। नाउ इसको रिड्यूस कर दिया गया, मान लेते हैं 10%, अब जो 100 rupees है 10 rupees खाली और खाली रखना पड़ेगा, अब कितना रुपए फ्री हो गया, 90 rupees, यानी कितना रुपए एक्स्ट्रा फ्री हो गया, 8 rupees एक्स्ट्रा फ्री हो गया, किसके लिए, लोन देने के लिए। अब ये बैंक वाले ज्यादा बिजनेस कर सकते हैं, ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियल इंक्लूजन करा सकते हैं, क्लियर हो गया क्या चीज है। अब देखिए GDP ग्रोथ रेट इंक्रीज कर जाएगी, अरे क्यों इंक्रीज करेगी, ऑलरेडी 100 rupees काउंटेड है, कहां से इंक्रीज करेगी। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में ब्रिंग मोर कैपिटल इनटू कंट्री, क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है, बैंक वाले अपना लोन दे रहे हैं, बैंक वाले को क्या खरीदना है। शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स में कट देयर लेंडिंग रेट, यस अपना ये लेंडिंग रेट कम कर लेंगे, क्यों, पैसा ज्यादा अवेलेबल है, डिमांड एंड सप्लाई, सप्लाई ज्यादा हो गई डिमांड कम हो जाएगी, ऑब्वियसली इंटरेस्ट रेट अपना ये कम कर लेंगे, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी हमारा
सी ऑप्शन, इट मे ड्रास्टिकली रिड्यूस द लिक्विडिटी. नो नो नो, नॉट रिड्यूस, इट विल इंक्रीज द लिक्विडिटी. क्यों? क्योंकि पैसा ज्यादा अवेलेबल है, पैसा ज्यादा दिया जाएगा मार्केट में. क्वेश्चन नंबर 43 हो गया. 44 के बारे में बात कर लेते हैं. MCLR ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है हम लोगों ने. इसके बेसिस पे इंटरेस्ट रेट डिसाइड किया जा रहा होता है, लेकिन ये इंटरेस्ट रेट IBA डिसाइड करती है. तो दीज गाइडलाइंस हेल्प इंप्रूव द ट्रांसपेरेंसी इन द मेथोडोलॉजी फॉलोड बाय बैंक्स टू डिटरमाइनिंग इंटरेस्ट रेट ऑन एडवांसेस. बिल्कुल करेक्ट है. दीज गाइडलाइंस हेल्प इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ बैंक क्रेडिट एंड इंटरेस्ट रेट विच आर फेयर टू द बोरोवर एज वेल एज द बैंक. सही है, कोई दिक्कत नहीं है कि ये भी जो होता है बैंक को क्रेडिट को बता रही होती है इंटरेस्ट रेट कितना रखना है, विच इज जो जो होती है फेयर होती है दोनों के लिए. बिल्कुल करेक्ट है, दोनों आंसर आंसर हो जाएगा इसका भी हमारा सी. क्वेश्चन नंबर 45 पेमेंट बैंक के बारे में आ जाते हैं. पेमेंट बैंक का मतलब जैसे कोई एक पेमेंट बैंक का नाम बताइए. बहुत सारे पेमेंट बैंक है, जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक हो गई, पेटीएम पेमेंट बैंक हो गया, फिनो पेमेंट बैंक हो गया. नंबर ऑफ पेमेंट बैंक का 6 पेमेंट बैंक को टोटल लाइसेंसेस दिए जा चुके हैं. नाम याद करने की ऐसा जरूरत नहीं है, बस आप जानते रहिए कि क्या कुछ चीजें हैं. इसमें होता क्या है, ये अपना सेविंग्स अकाउंट खोल सकते हैं 1,00,000 रुपए तक का. इसके अलावा ये डेबिट कार्ड जारी कर सकते हैं, एटीएम कार्ड वगैरह जारी कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग वगैरह कर सकते हैं. क्या क्रेडिट कार्ड दे सकते हैं? क्या नहीं, क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकते हैं. लोन दे सकते हैं? क्या नहीं, लोन नहीं दे सकते हैं. अभी इतने बड़े नहीं हुए हैं कि लोन देने लगे. छोटा सा बैंक होता है, छोटी सी चीज होती है. बेसिकली फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाने के लिए ये सब काम किया गया. फाइनेंशियल इंक्लूजन आपके लिए क्वेश्चन ये है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाने के लिए जो पेमेंट बैंक है किसने बोला था ये लाने को? ये बोला गया था नचिकेत मोर के द्वारा, नचिकेत मोर कमेटी. ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है किसने बनाया हुआ है. क्वेश्चन इस पे पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है, इस वजह से यू नीड टू मेमोराइज दिस, या हमेशा याद रखिएगा. अब यहां पर देखिए क्या चीज है. ये बोलता है मोबाइल टेलीफोन कंपनीज एंड सुपरमार्केट चेन दैट आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय रेजिडेंट आर एलिजिबल टू प्रमोट. यस, बिल्कुल करेक्ट है. देखिए एयरटेल वेयरटेल कर तो रहे हैं. पेमेंट बैंक कैन यूज बोथ क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड. नो, गलत हो गया. डेबिट कार्ड कर सकते हैं लेकिन क्रेडिट कार्ड नहीं कर सकते हैं. पेमेंट बैंक कैन नॉट अंडरटेक लेंडिंग एक्टिविटी. बिल्कुल करेक्ट है, लेंडिंग नहीं कर सकते हैं. देखिए कहां लेंडिंग करना है. ओनली 1 and 3 करेक्ट हो जाएगा. और ये है ऑफ क्वेश्चन नंबर 2016 का. देखिए 2016 में बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे इससे, 2017 में फिर नहीं पूछे गए, 2018 में फिर पूछे गए हैं. देयर इज अ हाई चांस दैट 2020 में क्वेश्चन पूछा जाए, अल्टरनेट बेसिस पर पूछा आ रहा है ऐसा देखा गया है. नेक्स्ट देखिए फिर 2016 का क्वेश्चन, 2016 तो मतलब 2016 में इससे कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन पूछे गए थे, क्योंकि बैंकिंग रिलेटेड चीजें वहां बहुत ज्यादा हुई थी. इस साल भी देखिए बैंकिंग रिलेटेड चीजें बहुत हुई हैं. तो ये हमारा जो चैप्टर है बैंकिंग वाला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मतलब मैं कहूंगा मल्टीपल टाइम आप रिवाइज करके इसको जाइएगा. चलिए आते हैं कोर बैंकिंग सॉल्यूशन. कोर बैंकिंग CBS क्या मतलब है इसका? कुछ नहीं है, बस बैंकिंग एक्टिविटी को और बढ़िया करना है, दैट्स ऑल. कोर बैंकिंग इसी को बोलते हैं कि जो बैंकिंग का काम करना है इनको वो बढ़िया से करें, डिजिटल फॉर्मेट में करें, चीजों को इफिशियंट एंड इफेक्टिव तरीके से करें. देख लेते हैं इसमें ऑप्शन क्या है. इट इज अ नेटवर्किंग ऑफ बैंक ब्रांचेस विच इनेबल कस्टमर टू ऑपरेट देयर अकाउंट फ्रॉम एनी ब्रांच द बैंक और नेटवर्क रिगार्डिंग देयर. बिल्कुल करेक्ट है, यही तो है कोर बैंकिंग, यही तो है इनका काम. बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. इट इज एन एफर्ट टू इंक्रीज RBI's कंट्रोल ओवर कमर्शियल. नो, ऐसा कुछ भी नहीं है. फिर उसका इट इज अ डिटेल्ड प्रोसीजर ऑफ विच बैंक इज अ ह्यूज. नो, ये भी कुछ भी नहीं है. ये देखिए उस समय की सीधी सीधी स्कीम आई हुई थी, गवर्नमेंट स्कीम आई हुई थी, उस स्कीम के तहत ही यह सारा काम किया गया. ओनली एंड ओनली ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, और कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है यहां पर. इसके बाद देखिए बिटकॉइन के बारे में है. चलिए देखिए बिटकॉइन जिस समय क्वेश्चन आया था उस समय बिटकॉइन था इलीगल. इस इलीगल के बाद से गवर्नमेंट बोला हमको नहीं पता है कि क्या है. उसके बाद से फिर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया दे आर लीगल, और इनका ट्रेड भी अब लीगल हो गया. तो नाउ बिटकॉइंस इन इंडिया आर अ लीगल वर्चुअल करेंसी स्टेटस. चलिए खैर अब देख लेते हैं. तो ये हो गई आपकी बैकग्राउंड, तैयार होना चाहिए आपको. बिटकॉइंस आर ट्रैक्ड बाय सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री. RBI करती है क्या? नहीं, RBI क्यों करेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है. एनीवन विद बिटकॉइन एड्रेस कैन सेंड एंड रिसीव बिटकॉइन फ्रॉम एनीवन एल्स. बिल्कुल करेक्ट है, यही तो है. मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है या फिर आपकी टेररिस्ट एक्टिविटीज हो सकती है, इसीलिए तो गवर्नमेंट को समझ नहीं आ रहा था क्या करना है. तो ये हो चुकी है ये चीज. ऑनलाइन पेमेंट्स कैन बी सेंट विदाउट ईदर साइड नोइंग आइडेंटिटी ऑफ अदर. ये भी करेक्ट है, ये भी एड्रेस आपको पता है, आपको पता ही नहीं है कौन है बंदा, क्या है बंदा, क्या करता है, नहीं बता सकते. एड्रेस पता है सब कुछ कर सकते हैं. आंसर हो जाएगा इसका बी. क्वेश्चन नंबर 48 बैक्स बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शेयरिंग. ये बहुत ज्यादा आया था क्योंकि वोडाफोन का केस चल रहा था इस समय, और इस वजह से क्वेश्चन पूछा गया था बैप्स का. यहां पर बेसिकली होती है बेस इरोजन और प्रॉफिट शेयरिंग का मतलब यह टैक्स को इवेड करने से रिलेटेड है. तो यहां पर माइनिंग ऑपरेशन नहीं, टैक्स इरेजन, यस टैक्स वाला केस हो जाएगा. ऑप्शन इसका हो जाएगा बी.
बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, बस आपको क्या है बेसिक पता होना चाहिए था क्या चीज है। अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं क्या चीज है। देयर हैव बीन अ परसिस्टेंट डेफिसिट बजट। अब मान लीजिए डेफिसिट हो रही है, डेफिसिट का मतलब क्या है कि आपका जो इनकम है वो इनकम नहीं हो रहा है, लेकिन जो एक्सपेंडिचर है वो एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है। तो डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनकम को बढ़ाना पड़ेगा, बजट को ये एक्सपेंडिचर को घटाना पड़ेगा। देख लेते हैं, रिड्यूस करेंगे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, बिल्कुल करेक्ट है, रिड्यूस करना पड़ेगा नहीं तो हमारा काम नहीं चलेगा। इंट्रोड्यूसिंग न्यू वेलफेयर स्कीम, बिल्कुल नहीं, अगर वेलफेयर स्कीम निकालेंगे तो एक्सपेंडिचर में चला जाएगा, एक्सपेंडिचर हमारा बढ़ जाएगा। रेशनलाइजिंग सब्सिडी, बिल्कुल सही है, रेशनलाइज करिए, क्यों, क्योंकि वो एक्सपेंडिचर है, बर्डन ऑन द गवर्नमेंट है। नेक्स्ट है रिड्यूसिंग इंपोर्ट ड्यूटी, अरे रिड्यूस क्यों करोगे यार, इंपोर्ट करो मतलब इंक्रीज करो, इंक्रीज करेंगे तो टैक्स बढ़ेगा, टैक्स बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगी, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा यहां पर ये भी। तो ऑप्शन केवल और केवल ए हो जाएगा इसका आंसर, ओनली एंड ओनली वन करेक्ट। क्लियर हो गया क्या चीज है। चलिए क्वेश्चन आगे देख लेते हैं, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल बजट के बारे में बोलता है। व्हाट इज कैपिटल बजट, कैपिटल बजट का मतलब वो होता है, या कह लीजिए कि कैपिटल बजट का मतलब वो होता है जहां पर आज कोई भी एग्रीमेंट आप करेंगे लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट हमें एक साल के बाद दिखेगा, मोर देन वन ईयर, दिस इज एक्चुअली लॉन्ग टर्म बजट, लॉन्ग टर्म बजट। जैसे मान लीजिए रोड बनाना है, रोड आपका एक साल के अंदर तो बनेगा नहीं, टाइम लगेगा, तो बेसिकली ये हो गया क्या, रोड बनना। लोन ले रहे हैं किसी से, एक दिन में तो देंगे नहीं, तो कैपिटल बन गया। ग्रांट दे रहे हैं, एक दिन में तो देंगे नहीं, आपको टाइम लगेगा, तो ये सब चीजें हो जाती हैं। तो बेसिकली अगर यहां देखेंगे तो एक्सपेंडिचर ऑन असेट्स लाइक रोड ये भी हो जाएगा, लोन्स रिसीव्ड बाय फॉरेन ये भी हो जाएगा, लोन्स एडवांस स्टेट और यूटी ये भी हो जाएगा, सारा का सारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी हो जाएगा ऑप्शन इसका, क्लियर है इसका आंसर। तो ये चीज हो जाती है हमारी सिस्टम, ये चीज आपको बड़े क्लैरिटी के साथ पता होना चाहिए क्योंकि लगातार ये क्वेश्चन पूछे आते हैं एग्जामिनेशन में। क्वेश्चन नंबर 51 सीधे सीधे से क्वेश्चन है, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट किसके द्वारा निकाला गया है। तो ये सीधे सीधे आपको याद रखना है, इसके लिए मैं आपको एक पीडीएफ भी ग्रुप में दे रखा हूं, टेलीग्राम ग्रुप की चैनल ज्वाइन कर लीजिए, फिर से मैं बोलूंगा वहां पर ये सारे मटेरियल दिए जाते हैं। इसका आंसर है मतलब बी, आईएमएफ हो जाती है इसकी आंसर है। क्लियर हो गया, तो ये थी हमारी पूरी की पूरी स्कीम, टर्शियरी सेक्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्लास से हम लोग देखेंगे हमारा दूसरा टॉपिक। अगर आपको कोई डाउट होता है या कोई क्वेरी होती है देन ऑब्वियसली यू कैन कॉन्टैक्ट अस एट दीज कॉन्टैक्ट डिटेल्स। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।